भारतवर्ष एक महान सभ्यता, इसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे कभी अंग्रेजों ने लूटा और 70 साल से हमारे ही देश के पॉलिटिशियंस इसे लूट रहे हैं। आज हमारा देश इतना खोखला हो चुका है कि हमें रोटी देने वाला किसान आज खुद भूखा सोता है। आंकड़ों के हिसाब से हर रोज 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब का कारण है महंगाई। आखिर इस महंगाई का उत्तरदायित्व कौन है? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब सड़क पे आ गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे देश में है। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं, राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, बच्चे अभी भी सिग्नल पर भीख मांगते हैं। क्यों? सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण कि पहले वो नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वालों को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन और अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं और देश को लूट कर अपना पेट भरते हैं। बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक चपरासी से लेके ऊपर तक सब लोग करप्ट हो चुके हैं। हमारा देश मेरी तरह अपाहिज हो चुका है, अब इसे खड़ा कौन करेगा? कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। ये देश बदलेगा और हम बदलेंगे इसे। जाग उठी अब राज करेगी जनता। हो ला 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 ला।